जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है सीजीपीटी के इस ऑल न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ना, वो रहेगा कि मैं आपको बैकअप एग्जाम्स जो रहने वाले हैं जेई मेंस के अलावा, उनके बारे में आपको बता रहा रहूँगा। आज आप थोड़ा सराउंडिंग देख रहे होगे, थोड़ा अलग दिख रहा है, तो आज हम लोग सब दोस्तों गार्डन घूमने आए थे और आज मुझे यहीं पर टाइम मिला, तो आज मैं यहीं पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो जिन लोग चैनल पर न्यू है, मैं उन लोगों को बता दूँ कि आगे भी आपको सीजीपीटी के लिए कंटिन्यूसली ऐसा सेम कंटेंट मिलने वाला है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। साथ में आपको मैं बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम में भी चैनल है, जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूं, और यहां पर आपको दिख रहा होगा एक क्यूआर कोड, उससे उसको स्कैन करके भी आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें ऑलरेडी बहुत लोग ज्वाइन है, उसमें मैं कंटिन्यूसली जो है रिसोर्सेज सीजीपीटी से रिलेटेड डालता रहता हूं। आज उसमें ना एक सीजीपीटी की बुक आती है आपकी प्रैक्टिस वाली, वो बुक मैं उसमें अपलोड करने वाला हूं, तो मेक श्योर आप चैनल में ज्वाइन हो जाए। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है ना, उसमें मैं आपको पर्टिकुलरली 3 एग्जाम्स के बारे में बताने वाला हूँ, टॉप 3। और ना उसमें मैं एक एग्जाम जो MHT CET का, उसको मैं एक्सक्लूड करके बताऊंगा, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो निकल चुका है। तो बेसिकली हम लोग 3 एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। एक तो मैं खुद CGPT के बारे में ही बताऊंगा, दूसरा एग्जामिनेशन रहेगा हमारा BITSET का, और तीसरा हमारा रहेगा VIT EEE के बारे में, ठीक है, जो वेल्लोर कराता है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा BITSET और एक CGPT के बारे में। तो ये जो 3 एग्जामिनेशन है दोस्तों, पहला जो CGPT का एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो CG व्यापम के थ्रू ऑर्गेनाइज कराया जाता है, और इससे छत्तीसगढ़ के 3 जो मेजरली गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जैसे कि GEC रायपुर, GEC बिलासपुर और GEC जगदलपुर के सारे ब्रांचेस के लिए ओपन रहता है। साथ में छत्तीसगढ़ के सारे प्राइवेट कॉलेजेस, जैसे कि हो गया बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रूंगटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस, इन तीनों कॉलेजेस का आपको एंट्रेंस मिल जाता है। तो ये एग्जामिनेशन का फीस जो रहता है छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए ₹0 रहता है। साथ में जितने भी जो दूसरे स्टेट्स के बच्चे रहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ही कम है, मात्र ₹50 में वो सारे एग्जामिनेशन में अपियर कर सकते हैं। CGPT का पोर्शन हो गया, ठीक है। अब दूसरा अपन एग्जामिनेशन का बात करेंगे, BIT का, जो होता है BITSET। BITSET क्या है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस पर्टिकुलर कॉलेज की 4 कैंपसेज हैं। पहला आपको मिल जाएगा सबसे पुराना पिलानी, फिर हैदराबाद, गोवा, और अब तो आप लोग के रिसोर्स से बाहर एक दुबई में भी खुल गया, तो उसके बारे में आप लोग सोचना छोड़ दो बंद, ठीक है। BITSET का अपना एंट्रेंस एग्जाम मेल लोग के लिए जो रहता है 3,400 होता है उसका एंट्रेंस फीस, और फीमेल्स के लिए रहता है 2,900, ठीक है। पर्टिकुलरली जिन लोगों की फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी वीक है, उन लोगों को मैं बोलूँगा कि इसमें अप्लाई मत करना, क्योंकि इसकी कॉलेज की फीस जो रहती है थोड़ी हायर रहती है। साथ में इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ साथ BSc की भी डिग्री लोग देते हैं, तो आप लोग को बोलूँगा इसमें अप्लाई मत करना, पर फिर भी बैकअप ऑप्शन है तो मैं बता रहा हूँ। साथ में तीसरा एग्ज़ाम हमारा रहता है VIT EEE, यानी कि VIT का होता है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके भी हमारे पास 4 कैंपसेज हैं। एक रहता है वेल्लोर, सबसे पुराना कैंपस और सबसे बड़ा और सबसे फेमस कैंपस है। इसकी NIRF रैंकिंग जो है वो 7 है ना, मतलब कई IITs के साथ ही कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का स्टूडेंट इनटेक भी थोड़ा ज़्यादा रहता है और फीस का भी जो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन प्लेसमेंट जो है बहुत अच्छा यहाँ से देखने को मिलता है इसकी VIT की वेल्लोर वाली ब्रांच, जो मेन ब्रांच है। साथ में इसकी और 3 सब कोऑर्डिनेट ब्रांचेस हैं, एक आपको अमरावती में देखने को मिलेगा, दूसरा आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा और तीसरा भोपाल में। अभी इमर्जिंग ब्रांचेस हैं, कुछ लोगों के पास ऑप्शन रहता है भोपाल जाने का, क्योंकि भोपाल की जो ब्रांच है वो विदाउट एंट्रेंस एग्जाम भी कई बच्चों को एडमिशन देती है 12th के रिजल्ट के बेसिस में, है ना। जैसे कई बच्चों का रहता है 80% 85% से अबव, तो उन लोगों को वहाँ पे एक अच्छा खासा स्कॉलरशिप देखने को मिलता है इन प्राइवेट कॉलेजेस में। ऐसे ही सेम टू सेम BITSET में भी रहता है, जिन लोग BITSET में अपियर करते हैं उन लोगों को भी एक अच्छा खासा स्कॉलरशिप देखने को मिलता है उनके ट्यूशन फीस में। एडमिशन फीस में कोई भी रिसेशन कुछ भी आपको मतलब डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जो भी डिस्काउंट आपको मिलेगा वो उनके ट्यूशन फीस में रहता है, जो भी रहता है। जैसे 80% या 85% आप लेके आ रहे हो तो 50% 60% डिस्काउंट आपके परसेंट के अनुसार आपको मिलता है, और जैसे ब्रांचेस रहते हैं तो उसके अनुसार आपकी जो फीस जो रहती है कॉलेज फीस वो भी बढ़ती जाती है। जैसे कि मैकेनिकल और सिविल की ब्रांच की फीस थोड़ी कम रहती है, और CSE की जो फीस रहती है वो बिट हायर रहती है। यही था दोस्तों अपन 3 एग्जाम्स के बारे में बात करें आज की वीडियो में। अगर आप लोग को और भी बैकअप एग्जाम्स के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, साथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ में मेरा टेलीग्राम में ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए, उसमें भी आपको CGPT के लिए कंटिन्यूसली कंटेंट मिलता रहेगा। आज का वीडियो बस यही था दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर।